ऑपरेशन क्लीन लाहौर, तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी, बलडोजर क्रेन हथौड़े चल गए। न्यू अनारकली स्टारलेट चौक, वेलिंगटन रोड और उर्दू बाजार में आरजी और पुख्ता तजावजात मिसमार, शेड थड़े जंगले शटर और दीवारें गिरा दी गयी। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में सरकारी की 331,687 कैनाल अराजी को वागुजार करवाया जाएगा। जौहर टाउन में कब्जा ग्रुप मंशा बम के जेर कब्जा, अराजी पर बड़ा ऑपरेशन। पीआईए रूट पर भारी मशीनरी से दुकानें घर जंगले और प्लाटों पर कायम तजावजात मिसमार, मंशा बम के जेर कब्जा 86 कैनाल अराजी वागुजार, सामान उठाया जाने लगा। मंशा बम से वागुजार कराई गई अराजी एलडीए कैंप ऑफिस डिक्लेयर, सैफुल मलूक होकर ग्रुप भी मुलव्वस है, उनके खिलाफ दरख्वास्त आई तो कार्रवाई करेंगे। मंशा बम के खिलाफ 80 मुकदमा दर्ज हैं, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। एसपी ऑपरेशंस मुआज़फर। मंशा बम हो या कोई और, हुकूमती रिक को चैलेंज करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तजावजात के खिलाफ पंजाब भर में ऑपरेशन हो रहा है। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, मंशा बम के कब्जे से अरबों रुपए मालियत की अरासी वागुजार करवा ली, माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। डीजीएलटीए आमना इमरान की गुफ्तगू। इसहाक डाक के असासे बराए फरोख्त, असासा जात रेफरेंस में एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का गुलबर्ग में घर और गाड़ियां नीलाम और 6 बैंक अकाउंट में मौजूद रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए, अदालत का हुक्म। साफ पानी को महफूज करने से मुतालिक केस, हाई कोर्ट का तमाम होटल्स क्लब इंडस्ट्री मालिकान से पानी का बिल वसूल करने का हुक्म। खुदा का खौफ करें, लोगों के पास पीने का पानी नहीं, आप बड़े लोगों से बिल वसूल नहीं करते। जस्टिस अली अकबर कुरैशी का एमडी वासा से मुकालमा, एमडी वासा की पानी बिल वसूल करने के लिए पुलिस फोर्स की दरख्वास्त, अदालत का सीसीपीओ को नफरी फराहम करने का हुक्म। हेलमेट ना पहनने पर चालान मुहिम जारी, रोजाना हजारों मोटरसाइकिल सवारों के चालान होने लगे। लक्ष्मी चौक में चालान फीस जमा करवाने वालों का रश, शहरियों की लंबी कतारें लग गई। जुर्माना क्यों किया, चुंगी के रहायशी शख्स ने रिक्शे को एहतजाजन आग लगा दी। कच्चा जेल रोड पर ट्रैफिक की रवानी शरीफ मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें। लगाने का रवाज हुआ पुराना, मुलजिमों की गिरफ्तारी का नया अंदाज देखिए। पुलिस ने हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने पर हथकड़ियां लगाने के बजाय मुलजिमों को कमीजों से बांध दिया। मुलजिमों पर बाघ पतन में कब्जे का इल्जाम है। स्मोक का खतरा, पंजाब भर में दफा 144 नाफिस, 1 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक सूबा भर में फसलों को जलाने पर पाबंदी आए। महकमा दाखिला की जानिब से हुक्मनामा जारी, खेतों में फसलें जलाने से स्मोग और फजाई आलूदगी बढ़ती है। इंसदाद स्मोग के हवाले से कार्रवाइयां, महकमा माहौलियात ने आलूदगी फैलाने वाली 6 फैक्ट्रियां सील कर दी। फैक्ट्रियों में रहमान स्टील, उस्मान एल्यूमिनियम और यूसुफ स्टील मिल शामिल, फैक्ट्री मालकान खिलाफ मुकदमा दर्ज करें डिप्टी कमिश्नर। अथॉरिटी की कार्रवाई, मुख्तलिफ इलाकों से 11 लाख गंदे अंडों की एक और बड़ी खेप पकड़ ली। गंदे अंडों की खरीद और स्टोरेज किसी मुनसिम कारोबार का हिस्सा नहीं, डीजी फूड अथॉरिटी। प्राइवेट स्कूल्स 1500 से लेकर 40,000 रुपए तक फीसें वसूल करते हैं, यकसा तालीमी निसाब के लिए कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की गुफ्तगू, बोले गवर्नर हाउस को म्यूजियम बनाने की तजवीज़ जेरे गौर है, लोग बाकी जना और दीगर पार्क्स को छोड़कर गवर्नर हाउस को तरजीह देते हैं। टाउनशिप ए ब्लॉक में दोहरे कत्ल की वारदात, नामालूम अफराद ने छुरियों के वार करके मां बेटे को कत्ल कर दिया। मकतूलीन की शनाख्त अरीबा फारूक और ख्वाजा उमर फारूक के नाम से हुई। मुबैना कातिल की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल, सलवार कमीज में मलबूस शख्स को घर से बाहर निकलते देखा जा सकता है।
صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے ساتھ اجلاس محکمہ ہیلتھ میں اصلاحات سے متعلق مشاورت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ خیبر پی کے میں محکمہ ہیلتھ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے ٹوکن ٹیکس ادائیگی پر رعایت ختم حکومت کی ہدایت پر ٹوکن ٹیکس پر 10% جرمانہ عائد فرید کوٹ ہاؤس میں ٹیکس ادائیگی کے لیے شہریوں کا رش لگ گیا محکمہ اسکول ایجوکیشن کی گاڑیاں بھی فروخت ہوں گی قائد اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ نے فالتو گاڑیوں کی فہرست تیار کر لی 21 شاہزور گاڑیوں سمیت 79 گاڑیاں فروخت کی جائیں گی صوبائی وزیر تعلیم مراد راست نے منظوری دے دی انجمن تاجران لاہور کے وفدی لاہور چیمبر کے منتخب عہدیدار سے ملاقات منتخب صدر لاہور چیمبر الماس حیدر کو کامیابی پر مبارکباد ہر 9 میں سے 1 خاتون بریسٹ کینسر میں مبتلا پاکستان میں بریسٹ کینسر کی خواتین مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا شوکت خانم ہسپتال میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے تقریب کا انعقاد اور ہیروئن سمگلنگ کیس غیر ملکی مارل ٹریسا عدالت میں پیش عدالت نے وکلا کو گواہوں پر جرح کے لیے طلب کر رکھا ہے